For same video in English, check link in description and above I button. खांसी एक आम समस्या जो कि सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगती है, लेकिन इसकी असली तकलीफ को वो ही समझ सकता है जो कि इससे गुजर रहा हो। तो अगर आप या आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस खांसी से परेशान है और उसे लगातार खांसी चलती रहती है बिना रुके, और रात को एक खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आदमी खांसते खांसते सांस तक नहीं ले पाता बीच में, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा आयुर्वेदिक कफ सिरप बनाना जिसे आप बड़ी आसानी से घर पे ही बना पाएंगे बड़े आसान इंग्रेडिएंट से, जो कि ईजिली अवेलेबल होते हैं, जो कि हर तरह की खांसी को मिटाने में सक्षम है, चाहे वो वेट कफ हो, ड्राई कफ हो या एलर्जिक कफ हो। तो चलिए बनाना सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और आपको उस कफ सिरप को बनाना सिखाऊँ, मैं आपको कफ यानी कि खांसी के रूट कॉज के बारे में समझाना चाहूँगा, यानी कि खांसी का कारण क्या है, किस वजह से खांसी होती है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई चोर आ जाता है या फिर कोई स्ट्रेंजर आ जाता है, यानी कि अजनबी आदमी आ जाता है, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? या तो अगर वो आपके ऊपर हमला कर रहा होगा तो आप उससे लड़ेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, या फिर वो स्ट्रेंजर है, आपको लग रहा है कि खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, तो आप उसको अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यही सिचुएशन हमारी बॉडी के साथ भी होती है। अगर हमारी बॉडी में कोई बाहरी तत्व आ जाता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर किसी तरह का एलर्जन, जिसको बॉडी समझती है कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो बॉडी क्या करती है, या तो उससे लड़ना शुरू कर देगी या उसको बाहर निकालना शुरू कर देगी। और खांसी के केस में क्या होता है, जब इन्फेक्शन हमारे गले में होता है, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर किसी तरह का एलर्जन हमारे गले में होता है, तो हमारी बॉडी उसको खांसी के रूप में बाहर निकालने की कोशिश करती है। कई बार खांसी के साथ बलगम आता है तो उसे बोल देते हैं वेट कफ, कई बार नहीं आता है तो उसको ड्राई कफ बोलते हैं। सबके रीजंस अलग अलग होते हैं। जो वेट कफ होता है वो सर्दी जुकाम या फ्लू की वजह से जनरली होता है, और जो ड्राई कफ है वो किसी तरह की एलर्जी की वजह से या फिर किसी तरह की सीजनल फ्लू की वजह से हो सकता है, और जो एलर्जिक कफ है वो किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ की वजह से हो सकता है। जैसे अगर आपको किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो उसकी वजह से खांसी आ सकती है, जैसे कि कई लोगों को खाने के बाद खांसी आती है, कई लोगों को कुछ बाहरी एनवायरनमेंट में डस्ट की एलर्जी होती है, बहुत तरह की एलर्जीज होती हैं, तो उसकी वजह से ड्राई कफ या एलर्जिक कफ हो सकता है। तो जो कफ सिरप अब हम बनाने वाले हैं वो सारे बाहरी तत्वों को मिटाकर हमारी खांसी में बहुत जल्दी राहत देने लगता है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि पहले दिन के उपयोग से ही आपकी खांसी में बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इस आयुर्वेदिक कफ सिरप को बनाने के लिए हमें 8 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अदरक, जो कि काफ़ी सारे एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है लौंग, जो कि हमारे बलगम को पतला करके हमारे गले को साफ करने का काम करता है, और साथ ही हमारे मुंह की दुर्गंध को भी ये दूर करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है काली मिर्च, जो कि हमारे गले को साफ रखता है। अगला इंग्रेडिएंट है दालचीनी, जिसे इंग्लिश में सिनेमन कहा जाता है। इसे आप मार्केट से साबुत या पाउडर फॉर्म में खरीद सकते हैं, जो कि सर्दी खांसी से लड़ने में काफ़ी उपयोगी है। अगला इंग्रेडिएंट है हल्दी, जो कि काफ़ी सारे इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम है। और अब हमें ज़रूरत होगी एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट की, जिसका नाम है अश्वगंधा। इसमें काफ़ी सारी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ड्राई कफ और एलर्जिक कफ से लड़ने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसी के साथ आता है हमारा अगला इंग्रेडिएंट, जो कि है तुलसी, जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं, जो कि खांसी को मिटाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट है हनी, यानी कि शहद, जो कि सर्दी खांसी से लड़ने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो अब इस आयुर्वेदिक कफ सिरप को बनाने के लिए हमें खाली पात्र में 8 से 10 काली मिर्च लेनी है, 4 से 5 लौंग लेनी है, और इन्हें अलग से हमें कूट करके इनका पाउडर बनाना है। और इसके बाद हम एक अलग पात्र लेंगे और उसमें हम अदरक का रस निकालेंगे। अदरक का रस निकालने के लिए सबसे पहले हम अदरक को किसने से किसेंगे और उसके बाद उसको कपड़े से छानकर उसका रस निकालेंगे। अदरक का रस निकलने के बाद हम उसे पिछले वाले पात्र में, जिसमें काली मिर्च और लौंग का पाउडर था, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसी सेम पात्र में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, और साथ ही हम डालेंगे 8 से 10 बारीक कटी हुई तुलसी की पत्तियाँ।
और अंत में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच शहद यानी कि हनी। इसके बाद हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये एक पेस्ट नुमा रूप ले लेगा और वही होगा हमारा आयुर्वेदिक कफ सिरप, जो कि एक हाईली इफेक्टिव होम रेमेडी है जिससे कि आपकी खांसी में पहले दिन से ही सुधार आने लगेगा। और इस आयुर्वेदिक कफ सिरप को पीने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कफ सिरप लेने के बाद पानी नहीं पीना है लगभग 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये आपके गले में जाकर उन बाहरी तत्वों को मिटा सके। दूसरी चीज़ कि आपको इस दौरान जब खांसी आपको चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस दौरान ठंडे पानी या नॉर्मल पानी को रिप्लेस करें आप गर्म पानी से। इससे आपके गले की सिकाई होती रहेगी और जल्दी से जल्दी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज़ कि आपको नमक के पानी से गरारे करते रहना है, दिन में 2-3 बार करेंगे तो आपका जो कफ है, जो बलगम जमा हुआ है, वो जल्दी जल्दी निकलने लगेगा। और चौथी चीज़ कि आपको स्टीम ब्रीथिंग लेनी है यानी कि भाप लेनी है। किसी भी बड़े बर्तन में पानी को उबालें, ऊपर अपने सिर पर टॉवल डालें और उस भाप को अपने अंदर जाने दें। इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी, आपका बलगम पिघलने लगेगा और खांसी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये खांसी 14 दिन से ज़्यादा से चल रही है तो आपको एक नियर बाय डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये खांसी किसी और वजह से भी हो सकती है। ये आपको निमोनिया की वजह से हो सकती है, आपको ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की वजह से हो सकती है, या फिर आपको काली खांसी जिसे वोपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है उसकी वजह से भी हो सकती है, जिसका अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप जल्दी से डॉक्टर को दिखा लेंगे तो आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। हर चीज़ का इलाज संभव है, लेकिन सही टाइम पर आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। और अगर आपको 1 से 2 दिन हुए हैं या 2-4 दिन के अंदर ये खांसी हो रही है, तो आप जो मैंने आयुर्वेदिक कफ सिरप बनाना सिखाया उसे ज़रूर बनाइए और उसे पीजिए, आपको पहले दिन से ही खांसी में काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं यानी कि आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नई नई जगह घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है जिसपे काफ़ी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री मूवीज़, काफ़ी अमेजिंग व्लॉग वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं, जाकर देखिए। आपकी स्क्रीन पर गोल लोगो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली मेरे व्लॉग चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो जाइए और जाके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।